नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का 21 जून 2024 की सेकंड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हो चुका है। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे देख लेते हैं। अगर आपको इसमें से और भी ज़्यादा क्वेश्चन पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब जो है वो किसकी है। मतलब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किताब जो है वो किसकी है, नेल्सन मंडेला की बुक हो जाएगी। ओके, अगला है साइन 30 डिग्री का मान बताओ। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अगला है बंगाल के पहले गवर्नर का नाम बताओ। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, बारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे, बारेन हेस्टिंग्स। अगला, मेगास्थनीज को भारत किसने भेजा था। तो मेगास्थनीज को भारत भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर। अगला है वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5। अगला है मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत व चीन, भारत और चीन। नेक्स्ट है, रबी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं। तो जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों। ऐसा क्वेश्चन आया था कि इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो वो बताना था। अगला है गणतंत्र दिवस पर कौन सलामी देता है। तो देखिए ये हो जाएगा राष्ट्रपति। अब जिनका आगे क्वेश्चन है, आगे जिनका शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग आगे का वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि आगे हम लोग पहली शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे वो देख लेते हैं। अगर आपको सेकंड शिफ्ट के और क्वेश्चन पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन है, लोनार झील कहाँ पर स्थित है। लोनार झील की बात करें तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला है मुरगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। मुरगप्पा गोल्ड कप संबंधित है हॉकी खेल से संबंधित है। अगला, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री किसकी किताब है। तो ये हो जाएगी अभिनव बिंद्रा की हो जाएगी। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा मणिपुर राज्य का। नेक्स्ट है, सटलिंग टू द टॉप किसकी पुस्तक है। तो ये हो जाएगा पीवी सिंधु की। अब कुछ नृत्य के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके आने वाले शिफ्टों में आ सकते हैं। पहला नृत्य है आपका राउफ। राउफ नृत्य जो है वो कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। अगला है बीहू। बीहू नृत्य कहाँ का है, ये हो जाएगा असम का लोक नृत्य। एक नृत्य है लावड़ी। लावड़ी ये कहाँ का है आपका, महाराष्ट्र का। अगले नृत्य की बात करें तो वो है आपका गिद्दा व भांगड़ा। गिद्दा व भांगड़ा ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो ये हो जाएंगे पंजाब के लोक नृत्य। एक है आपका घूमर। घूमर कहाँ का है, तो ये हो जाएगा राजस्थान का लोक नृत्य। एक नृत्य आता है डांडिया व गरबा। ये दो नृत्य कहाँ के हैं, तो ये दो नृत्य हैं गुजरात के। एक नृत्य आता है कथकली। कथकली व मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये दो नृत्य कहाँ के हैं, तो ये हैं केरल के लोक नृत्य। एक नृत्य आता है चोंग। चोंग कहाँ का है, नागालैंड का। ओके, और एक त्यौहार पूछा जाता है, बैसाखी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा पंजाब। और एक त्यौहार है रण उत्सव। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गुजरात के कच्छ के रण में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।